न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। सरकार के ठेकेदारों की परीक्षा। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। श्रमिक आर्थिक रूप से गरीब हैं और इसीलिए उनके पास किसी भी प्रकार की सुरक्षा किट तक नहीं होती और वे कोई सुरक्षा किट खरीदने के जोखिम तक नहीं उठा पाते। इन्हें खरीदना भी संभव नहीं है, इसलिए वे बिना किसी सुरक्षा किट के काम करते नजर आते हैं। दुर्घटना की स्थिति में उन्हें विलंगाते तक गिरना पड़ना पड़ता है या कभी कभी उन्हें अपना खुद का जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। श्रमिकों की इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिक निर्माण को लागू करने का निर्णय किया और इस निर्णय पर काफी लोग खड़े उतरे और कुछ चेहरे सामने निर्माण हुए। श्रमिक बॉक्स के तहत काफी जगह पर आवेदन पत्र दिए गए, जहां पर श्रमिकों द्वारा एक मामला उजागर किया जिसमें मौदा यहां पर श्रमिक बॉक्स योजना का लाभ दिया जा रहा था। जिस बीच राधाकृष्ण सभागृह में श्रमिकों और महिलाओं के साथ अपशब्द से बातचीत की गई। जो आप राधाकृष्ण सभागृह देख पा रहे हैं, इसमें महिलाओं के साथ बातचीत की गई और कुछ आवेदन पत्र लेकर महिलाओं और श्रमिकों को अंदर बुलाकर फिर शटर गिरा दिया गया, जिसके बाद किसी को ना तो अंदर आने दिया गया और ना ही बाहर जाने दिया गया। जिसके बाद आक्रोशित भीड़ का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने उन पर डंडे भी बरसाए, साथ ही महिलाओं से आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। इस पर उनसे आक्रोशित भीड़ ने पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया। ना बस, ना दोपहिया और ना ही साइकिल तक को आने के लिए अनुमति दी गई। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार सरकार इस पर प्रतिक्रिया करती है। कैमरामैन उदय के साथ प्राची की न्यूज एमएनएस न्यूज टीवी के लिए। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते रहिए एमएनएस। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच।